कुछ दिनों से खोड़ी बाड़ी का नाम इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का शॉर्ट्स में बहुत देख रहे थे, तो हम लोग सोचा आज परफेक्ट वेदर है, इस बारिश का मौसम में कैसा रहता है खोड़ी बाड़ी, तो एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम लोग एक शॉर्ट बाइक राइड के लिए निकल गए। तो मेरा घर से बस 1 ही घंटे का डिस्टेंस है, गूगल मैप में तो ये दिखा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एग्जैक्ट जो व्यू पॉइंट का लोकेशन है मैप का लिंक दे दिया हूँ। थोड़ा डर लग रहा था आसमान को देख के, शायद बारिश आ जाए बहुत तेज और प्लान कैंसिल हो जाएगा, बट तो न्यू टाउन हम लोग जैसे पहुँचे तो आसमान बहुत ही क्लियर हो चुका था, तो बहुत ही मज़ा आया उसके बाद जर्नी में। सब हम लोग यहाँ से खोड़ी बाड़ी के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से खोड़ी बाड़ी अप्रोक्स 10 किलोमीटर है। यहाँ पे रिबन टट्टी साफ कर रहा है, डोंट वरी, इंसान का नहीं तो हुआ का। लंच का टाइम हो चुका था, तो हम लोग इस बारिश का मौसम में सोचे गरम गरम रोटी और चिकन खाने का, तो बिरयानी भी मन कर रहा था बट बाइक तो मेरे को ही चलाना था ना, इसलिए हम और बिरयानी नहीं खाए, यही खा के हम लोग आगे का सफ़र कंटिन्यू किए। शायद सुपर हीरोज़ का मूवी ज़्यादा देख लिया था, इसीलिए रोड में ऐसे करके क्या करने का कोशिश कर रहा है, क्या बनना है इसको, दुनिया को उल्टा करके क्या देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। तो राजरहाट में ये नॉर्थ पॉइंट स्कूल है, तो आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। स्कूल कैसा है नहीं पता, बट व्यू तो बहुत ही बढ़िया है। पूरा रेड एंड वाइट कलर का बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ ग्रीन पेड़, साइड में पानी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कैसा लग रहा है सीनरी फिलहाल? तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की बारिश हो जाती तो मज़ा आता। ऑलरेडी एक बार बारिश हो चुका है तो अभी थोड़ा सा धूप निकला है। ये है खोड़ी बाड़ी व्यू पॉइंट। रोड के दोनों तरफ बहुत सारे शॉप्स बन चुका है, अभी मोस्टली चिप्स, स्नैक्स, आइसक्रीम यही सब मिल रहा है। व्यू जितना खूबसूरत है रोड भी उतना अच्छा है, बट रोड का दोनों तरफ बहुत सारा एक्सीडेंट प्रोन जोन को वार्निंग साइन दिया हुआ है। आगे जाके देखा एक स्कूटी गिरा हुआ है, तो फिर पता कि उन लोग बोले स्किड कर गया, तो ज़्यादा चोट नहीं लगा, बाइक बहुत स्लो चल रहा था। तो गाइस बारिश का मौसम है, थोड़ा ध्यान से ड्राइविंग कीजिए। व्यू पॉइंट क्रॉस करके राइट साइड में एक रोड चला गया है, अगर आप बाइक से आते हो तो ज़रूर अंदर तक जाइएगा, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोनों तरफ पानी जहाँ मत्स्य पालन होता है, पूरा शांत एनवायरनमेंट है। तो अंकिता थोड़ा बाइक प्रैक्टिस कर लिया रोड पूरा खाली देख के। थोड़ी बड़ी से 20 मिनट्स का डिस्टेंस में है कोई पुल, तो बहुत सारा कपल्स लोग पोस्ट कर रहे थे फोटोज़, तो हम लोग सोचे आज ही कवर कर लेते हैं, पास में है, तो कोई पुल के लिए हम लोग निकल गए। कोई पुल या खोड़ी बाड़ी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट मन को शांति तो बहुत मिल रहा था। चारों तरफ ग्रीन विलेज का एक एटमोसफियर है, दोनों तरफ पानी, मत्स्य पालन का जो हो रहा था, तो ये चीज़ आपको अगर इन्जॉय कर पाओगे तभी आइएगा। यहाँ पर बाइक, कार या बाइक आइए, क्योंकि लोकल बस ट्रेन में अगर आइएगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, सच में अच्छा लगा मुझे। नींद आने लगा था मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, नींद आने लगा था। एक्चुअली हवा बहुत बहुत ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पर, ठंडा हवा बहुत स्लोली स्लोली। और गाइज पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और यहाँ पे बहुत सारा मिठाई का दुकान है, आप लोग आके तो मिठाई खा सकते हैं। बाय बाय, मेरा लास्ट का किस। और प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हम बोल दिए ना, कितना बार बोलोगे? क्यों मैं बोलूंगी तो क्या हो गया, इसके बाद पे ध्यान में दीजिएगा, मैंने जो कहा वही लाइक कीजिएगा। बाय।